नमस्कार दर्शकों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं कौशल किशोर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के शिक्षा पीठ से आपके सम्मुख आज की चर्चा के लिए उपस्थित हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बाल विकास एवं मनोविज्ञान के सर्वाधिक रुचिकर विषयों में से एक है, जिसका शीर्षक चिंतन एवं चिंतन कौशल विकास की आवश्यकता है। इस चर्चा के उपरांत इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य दर्शकों को चिंतन एवं चिंतन कौशल के संप्रत्य, चिंतन की प्रकृति, चिंतन के प्रकार एवं बालक के विकास हेतु चिंतन की आवश्यकता से परिचित कराना है। अपेक्षा है कि इस सत्र के उपरांत दर्शक चिंतन के संप्रत्य का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अनेक विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से दी गई चिंतन की परिभाषाओं की तुलना कर सकेंगे, चिंतन की प्रक्रिया एवं चिंतन के उत्पाद में विभेद कर सकेंगे एवं दोनों के उदाहरण दे सकेंगे, चिंतन की प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे, चिंतन के विभिन्न प्रकारों में विभेद कर सकेंगे, दैनिक जीवन में किसी बालक द्वारा प्रदर्श चिंतन के प्रकार की पहचान कर सकेंगे, चिंतन एवं चिंतन कौशल की बालक के विकास में आवश्यकता को प्रतिबिंबित कर सकेंगे। सर्वप्रथम चिंतन के संप्रत्यय की बात करते हैं। चिंतन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में सोचना भी कहते हैं, सभी जीवित प्राणियों का एक ऐसा लक्षण है, एक ऐसी मानसिक गतिविधि है जो सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा पशु। यह बात स्पष्ट है कि मनुष्यों में चिंतन की प्रक्रिया का स्तर पशुओं की अपेक्षा उच्च होता है, जिससे वो श्रेष्ठ प्रजाति के रूप में स्थापित होते हैं। दैनिक जीवन में हमारे आसपास की घटनाओं में, हमारे आसपास की स्थितियों में या हमारे आसपास की दैनिक क्रियाओं में चिंतन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। जैसे सुबह उठकर ये सोचना कि मैं आज कौन सी ड्रेस पहनूं, मैं आज ऑफिस किस रास्ते से जाऊं ताकि मुझको ट्रैफिक ना मिले, मुझको आज ऑफिस में क्या क्या काम करने हैं, किस काम को प्राथमिकता पर रखना है, ये सब चिंतन के उदाहरण हैं। इसके अलावा हम अपने आसपास जितना भी विकास और बहुत सारी वस्तुएँ देखते हैं वो भी मनुष्य के चिंतन का परिणाम है, यथा रोबोट, हवाई जहाज, ऊंची बिल्डिंग्स, ये सब भी चिंतन का परिणाम है। निश्चित ही सभी चिंतन एक जैसे नहीं होते, कुछ चिंतन ऐसे हैं जिसमें कम मानसिक चरण होते हैं, कम मानसिक पद होते हैं, कुछ चिंतन ऐसे होते हैं जिसमें मानसिक चरणों की संख्या ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जटिल होते हैं, कुछ चिंतन ऐसे हैं जिनमें हमको जानी पहचानी परिस्थितियों से सामना होता है, कुछ चिंतन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल नई परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है, कुछ चिंतन ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्ष्य निर्देशित होता है, कुछ चिंतन बिना लक्ष्य निर्देशन के होते हैं। चिंतन की इस बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन की अनेकों परिभाषाएँ दी हैं। जैसे केगन एवं हेवमैन ने 1976 में एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़तोड़ को चिंतन कहा जाता है। वहीं वैलेंटाइन ने 1965 में एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि चिंतन एक गतिविधि है जिसमें किसी उद्देश्य या परिणाम की तरफ निर्देशित विचारों का संयोजित प्रवाह सम्मिलित होता है। ध्यान दीजिए, वैलेंटाइन इसमें ये बात कह रहे हैं कि जो कनेक्टेड फ्लो है, जो संयोजित प्रवाह है विचारों का, वो किसी गोल की तरफ, किसी उद्देश्य की तरफ निर्देशित है। सिल्वरमैन ने 1978 में एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। यहाँ उनका उद्दीपन से तात्पर्य किसी समस्या से है। कोई समस्या हमारे लिए उद्दीपन यानी स्टिमुलस का काम करती है जिसके समाधान के लिए हम घटनाओं का प्रतीकात्मक चित्रण करते हैं। यहाँ प्रतीकात्मक चित्रण से मतलब मस्तिष्क में मेंटल पिक्चराइजेशन है उसका। मोहसिन ने 1967 में एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा चिंतन एक अव्यक्त समस्या समाधान व्यवहार है, यानी कि एक इम्प्लिसिट, एक अप्रत्यक्ष व्यवहार है। ये प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित नहीं होता सामने, समस्या समाधान करता है, लेकिन जो चिंतन का जो व्यवहार है वो अप्रत्यक्ष है, वो मस्तिष्क के अंदर चलता है। गिलमर ने 1970 में एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि चिंतन समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है जिसमें हम प्रत्यक्ष गतिविधियों के स्थान पर प्रतीकों या विचारों का प्रयोग करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई शारीरिक गतिविधि सामने से नहीं दिखेगी कि हम चिंतन कर रहे हैं,
समस्या समाधान के लिए जो भी चिंतन हम कर रहे होंगे वो अप्रत्यक्ष होगा, हमारे मस्तिष्क में चल रहा होगा और इसमें हम विचारों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। इन परिभाषाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दो तरीके की बात इसमें समझ में आती है चिंतन को लेके। चिंतन को लेके कुछ परिभाषाएं मानसिक जोड़तोड़ की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ परिभाषाएं इसको समस्या समाधान के रूप में देखती हैं। कुछ परिभाषाएं मानसिक गतिविधि के रूप में इसको बात कर रही हैं, जो मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसको मानसिक उत्पाद, मेंटल प्रोडक्ट के रूप में बात कर रहे हैं। समस्या समाधान एक मेंटल प्रोडक्ट है और उसके लिए दिमाग में जो प्रक्रिया चल रही है, जो मस्तिष्क में प्रक्रिया चल रही है, वो मेंटल प्रोसेस है। इसलिए अलग अलग पक्षों पर लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की है। दोनों ही चीज़ों को अगर हम सभी पक्षों को ध्यान से देखें तो चिंतन के बारे में ये चिंतन की प्रकृति हमारे सामने स्पष्ट होती है कि पहली बात तो चिंतन एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। इसका मतलब ये है, जब आप तीन पक्ष की बात करते हैं शिक्षा में, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, इसको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के नाम से हम जानते हैं, तो जो चिंतन की प्रक्रिया है वो एक संज्ञानात्मक गतिविधि है जो कॉग्निशन में होती है। दूसरा, चिंतन की जो प्रकृति है वो बताती है कि चिंतन अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, यानी कि ये सामने से प्रत्यक्ष रूप से दिखती नहीं है, इम्प्लिसिट है, ये कोवर्ट है, ओवर्ट बिहेवियर नहीं है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, जो सामने से दिखेगा नहीं, अंदर मस्तिष्क में चल रहा होगा। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि शारीरिक खोज की जगह मानसिक खोज की बात करता है। तीसरी प्रकृति जो इसके बारे में हम देख सकते हैं वो है कि चिंतन हमेशा किसी उद्देश्य प्राप्ति की ओर निर्देशित होता है, डायरेक्टेड है हमेशा किसी ना किसी गोल की तरफ। विटेकर ने 1970 में कहा भी कि सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं, हालांकि ये अलग बात है कि कुछ चिंतन हमारे लक्ष्य से अलग भी होते हैं, चर्चा करेंगे इस बात की कि इसी के आधार पर अन्य प्रकार इसका क्लासिफिकेशन किया है लोगों ने, लेकिन विटेकर ने कहा कि सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। इसलिए इसका मतलब है कि चिंतन का जो उद्देश्य है वो किसी समस्या का समाधान या किसी लक्ष्य की प्राप्ति है। इसके अलावा चिंतन समस्या समाधान का व्यवहार है, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, समस्या समाधान का प्रत्येक व्यवहार चिंतन नहीं है, वरन यह केवल आंतरिक संज्ञानात्मक व्यवहार से संबंध है। हर व्यवहार जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो चिंतन हो जरूरी नहीं है। उसके पीछे जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस हमारा चल रहा है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर हमारा अंदर चल रहा है इंटरनल, वो चिंतन है। चिंतन की प्रकृति को हम्फ्रे ने भी बताया, 1963 में हम्फ्रे ने बताया कि चिंतन की शुरुआत समस्या सामने आने पर होती है। हमारे सामने कोई समस्या आई तो हम चिंतन करना शुरू करते हैं कि इसका समाधान कैसे होगा, वो हमारे लिए स्टिमुलस का काम करता है। हम्फ्रे के हिसाब से चिंतन में प्रयास एवं त्रुटि सम्मिलित है, ट्रायल एंड एरर, अगर कोई समस्या आई है हम उसका सॉल्यूशन करने की बात करते हैं। ये एक पक्ष है, इसके अलावा भी दूसरे पक्ष लोगों ने कहे हैं, अभी हम और आगे बात करेंगे। हम्फ्रे ने कहा कि इसमें प्रयास एवं त्रुटि सम्मिलित है। इसके अलावा हम्फ्रे ने कहा कि चिंतन में भाषा, प्रतीकों एवं प्रतिमाओं का प्रयोग होता है। भाषा से संदर्भित उनका ये है कि चिंतन एक प्रकार का आंतरिक संभाषण है। कुछ लोग, कुछ वैज्ञानिकों का, कुछ चिंतकों का कहना ये है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना ये है कि चिंतन एक इंटरनल स्पीच, एक आंतरिक संभाषण है जिसमें मस्तिष्क के अंदर हमारा संभाषण होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जोर से बोल के किसी से बात करें, किसी सामने वाले व्यक्ति से हम लोग बात करें, लेकिन इंटरनली हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में कुछ संभाषण चलता है और उस संभाषण के लिए भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। हम इंटरनल स्पीच भी जब भी करेंगे उसके लिए हमको किसी भाषा की आवश्यकता होती है, इसलिए चिंतन के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चिंतन के लिए विभिन्न प्रतीकों, सिंबल्स, विभिन्न प्रतिमाओं, इमेजेस, प्रतिमाओं में दोनों तरीके की इमेजेस हो सकती हैं, जैसे विजुअल इमेजेस, दृष्टि प्रतिमा, या श्रवण इमेजेस, ऑडिटरी इमेजेस। हम सोच रहे हैं, हमने कोई चीज़ देखी है, वो हमारे दिमाग में चल रही है कि वो देखा था, उससे रिलेटेड हमको सोच रहे हैं, तो वो विजुअल इमेज है, दृष्टि प्रतिमा है। किसी ने कोई बात कही है, हमने दो लोगों को बातचीत करते हुए सुना है, या किसी ने हमसे कुछ बात कही है, वो ऑडिटरी इमेज हमारे दिमाग में चिंतन के समय चल रही है, ये श्रवण प्रतिमा है। तो हम्फ्रे के हिसाब से चिंतन में भाषा, प्रतीक और प्रतिमाओं का प्रयोग होता है। अब इस चिंतन की प्रकृति के बाद अगर हम ये देखें कि हम देख रहे हैं कि चिंतन की प्रकृति बहुआयामी है। चिंतन को जो लोगों ने परिभाषित किया है वो अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग आयामों से किया है। ये कोवर्ट बिहेवियर है, ओवर्ट बिहेवियर नहीं है, इसलिए इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से भी
एकदम एक मत पर पहुंचना भी संभव नहीं है। लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी बात कही है। इसकी इसी बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए अन्य विभिन्न लोगों ने चिंतन को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया है। एक विभाजन जिम्बार्डो एवं रुक का है जो उन्होंने 1977 में दिया, जिसमें उन्होंने चिंतन को दो प्रकारों में बांटा। पहला उन्होंने कहा स्वली चिंतन, जिसको ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलते हैं। स्वली चिंतन एक उद्देश्य रहित चिंतन है, जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, जिसमें दिव्या स्वप्न जैसे डे ड्रीमिंग, स्वप्न चित्र फैंटसीज करना या भ्रांति डेल्यूजन्स इसमें सम्मिलित हैं। इसमें डे ड्रीमिंग फैंटसी ये कोई बहुत गंभीर रूप से असामान्य बात नहीं है, जनरली लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत परिणाम नहीं है, किसी गोल से डायरेक्टेड नहीं है, किसी लक्ष्य के लिए पहुंचना इसका उद्देश्य नहीं है। अपने मन में सोचते रहना कि मैं एक दिन ये बन जाऊंगा, या मेरे पास ये बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, तब मैं ये करूंगा, इस तरह के देवा स्वप्न स्वप्न चित्र हम करते हैं। साथ ही स्वली चिंतन में भ्रांति भी शामिल है, जो कि असामान्य व्यवहार है। अगर डिल्यूजन्स भ्रांतियाँ लोगों में बढ़ रही हैं, कोई उसी भ्रांति में लगातार जीता रहता है, उस प्रकार के स्वली चिंतन में लगातार रहता है, तो यह असामान्य है, अब इसको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है। इस तरह के स्वली चिंतन में कोई बहुत किसी गंभीर उद्देश्य पर या किसी उद्देश्य पर पहुंचना उसका लक्ष्य नहीं होता। आप रिकॉल करें, देखें, जब हम एडजस्टमेंट समायोजन की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के समायोजन की बात करते हैं। एक है परमानेंट एडजस्टमेंट, एक होता है टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट, जिसको हम डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में एक टेक्निक है विड्रॉल। ये स्वली चिंतन एक तरीके का विड्रॉल है, जिसमें कि हम वर्तमान समस्या जो हम चल रही है, हम उससे कुछ देर के लिए देवा स्वप्न में खोके उससे बच जाते हैं। तो कई बार ये मनुष्य के लिए सहायक भी सिद्ध होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से यूजलेस, पूरी तरीके से निरर्थक चिंतन है, लेकिन हाँ, इसी में अगर कोई व्यक्ति भ्रांति में लगातार रहने लगे, उसी में उसका समय जा रहा है, उसी में वो हर समय रह रहा है, तब ये चिंताजनक है, असामान्य हो जाता है। जिम्बार्डो और रुक के हिसाब से जो दूसरा चिंतन उन्होंने बताया, वो कहा रियलिस्टिक थिंकिंग, यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन में उन्होंने कहा कि ये गोल संबंधित है, इसमें कोई समस्या समाधान या किसी लक्ष्य प्राप्ति की बात होती है। इसमें उन्होंने तीन तरीके के यथार्थवादी चिंतन की बात कही है, जिसमें पहला अभिसारी चिंतन है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये निगमनात्मक होती है, यानी कि डिडक्टिव अप्रोच इसमें होती है। डिडक्टिव अप्रोच, जैसे हमारे पास कोई मेजर प्रिमाइस पहले से है, कोई ज्ञान पहले से है, हम उसके आधार पर किसी संबंधित दूसरी चीज़ के लिए नया एक निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन उदाहरण हम लोग देखते हैं, अगर एक नॉलेज मौजूद है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, हमको पता चलता है कि एक्स एक मनुष्य है, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्स भी मरणशील है। ये एक कन्वर्जेंट अभिसारी थिंकिंग है, ये एक डायमेंशन की तरफ जा रही है, एक इकट्ठी की तरफ। दूसरी यथार्थवादी चिंतन में सृजनात्मक चिंतन है, इसको क्रिएटिव चिंतन भी कहा जाता है, ये एक अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये आगमनात्मक होता है इसका नेचर, इसमें जिसमें कि हम विभिन्न उदाहरणों को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए किसी नए ज्ञान की निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में जो अभी हमने उदाहरण लिया मरणशील होने वाला, इसमें दूसरे तरीके से अगर कोई व्यक्ति देखता है कि उसने किसी एक मनुष्य को देखा, एक्स को, और देखा कि कुछ एक उम्र होने के बाद वो मर गया, मरण तो पाया कि एक्स मरणशील है, फिर वाई दूसरे मनुष्य को देखा, वो भी मरणशील है, फिर जेड किसी तीसरे मनुष्य को देखा और पाया कि वो भी मरणशील है। इस तरीके से बहुत सारे मनुष्यों को देखने के बाद एक व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है कि इसका मतलब मनुष्य मरणशील होते हैं। ये एक आगमनात्मक तरीके का सृजनात्मक चिंतन है, जिसमें कुछ नया होता है। तीसरा जो जिम्बार्डो एवं रुक के हिसाब से चिंतन है यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत, वो है आलोचनात्मक चिंतन, इवेल्युएटिव चिंतन, जिसमें मनुष्य जो जैसा दिख रहा है, जैसा पता चल रहा है, उसको एज इट इज विश्वास नहीं कर लेता, उसको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेता, बल्कि उसकी उसका मूल्यांकन वो करता है, उसमें क्या सही है क्या गलत है। आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे हम देखें, आजकल बहुत कॉमन है ये कि सोशल मीडिया में हमें कोई भी मैसेज पता चलता है, हमको पता चलता है कि सब कैंसर का इलाज इस दवा से हो जाता है, हम बिना उसको जाने आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, हमने उसको जांचा नहीं, हमने मान लिया कि ऐसा होता होगा, या हमने कहा कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि सब अगर आप व्हाट्सएप के इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे तो फलां व्यक्ति के इलाज के लिए इतने रुपये उसको डोनेट हो जाएंगे, और हम इसको मान के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास आलोचनात्मक चिंतन का अभाव है,
हम इवैल्यूएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे फॉरवर्ड करने से कैसे पैसा डोनेट होगा। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह का इवैल्यूएटिव चिंतन कर लेता है, आलोचनात्मक चिंतन कर लेता है और क्या समझ जाता है कि नहीं ये मूर्ख बनाया जा रहा है, इसमें इस तरीके से पैसा डोनेट नहीं होता, इसका मतलब उसके पास आलोचनात्मक चिंतन है। निश्चित ही यथार्थवादी चिंतन में आलोचनात्मक चिंतन उच्च स्तर का चिंतन है। जिम्बार्डो एवं रुक के अलावा कुछ अन्य लोगों ने भी चिंतन के विभिन्न प्रकारों को क्लासिफाई किया है, इसी से मिलता जुलता है। जैसे दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमारे पास है, जिसमें पहला जो चिंतन है वो गैर निर्देशित नॉन डायरेक्टेड या एसोसिएटिव चिंतन है, ये स्वली चिंतन की तरह ही है। जिम्बार्डो एवं रुक के स्वली चिंतन की तरह ही है, ये उद्देश्य रहित है, इसमें कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं है। डे ड्रीमिंग, फैंटसाइजिंग या डेल्यूजन्स, ये सब उसी का प्रकार है। दूसरा जिसको जिम्बार्डो एवं रुक ने कहा रियलिस्टिक थिंकिंग, उसी को इधर कुछ लोगों ने कहा है निर्देशित चिंतन, यानी कि डायरेक्टेड थिंकिंग। इस डायरेक्टेड थिंकिंग में, निर्देशित चिंतन में, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चिंतन होता है। इसको भी फर्दर पांच प्रकार में, इसके पांच रूप लोगों ने कहे हैं, विद्वानों ने कहे हैं, जिसमें पहला स्थूल या मूर्त चिंतन है। स्थूल या मूर्त चिंतन, जब कोई वस्तु हमको कंक्रीट फॉर्म में दिख रही है, परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग इसको बोलते हैं, जब कोई वस्तु हमको कंक्रीट फॉर्म में दिख रही है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में विचार करना, ये स्थूल चिंतन का उदाहरण है। इससे थोड़ा हायर लेवल का थिंकिंग है जिसको हम अमूर्त या संप्रत्यात्मक चिंतन कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। निर्देशित के अंदर ही ये सारे भाग हैं। अमूर्त या संप्रत्यात्मक चिंतन में कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम एब्स्ट्रैक्ट रूप में उसके बारे में सोच लेते हैं, जैसे किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना, इसीलिए इसको कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग भी कहा गया है। जो वस्तु मूर्त रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में फिर भी सोचते हैं, विचार करते हैं, ये अमूर्त चिंतन का उदाहरण है। इससे और एक निर्देशित चिंतन का प्रकार है जो थोड़ा और हायर लेवल का है, रिफ्लेक्टिव चिंतन, चिंतनशील चिंतन या परावर्तक चिंतन जिसको हम बोलते हैं। इसका एक और भाग है, अभी हम आगे इनके, ये चूंकि ये चिंतनशील, सृजनात्मक और समीक्षात्मक काफ़ी महत्वपूर्ण चिंतन माने जाते हैं बालकों के विकास के लिए, इसलिए अभी हम इनके बारे में और थोड़ा विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चिंतनशील चिंतन, सृजनात्मक क्रिएटिव चिंतन और समीक्षात्मक क्रिटिकल चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है, जो चिंतनशील या परावर्तक चिंतन है, ये चिंतन का उच्च रूप है। निश्चित ही यह सामान्य की अपेक्षा जटिल समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। मूर्त चिंतन से ऊपर है अमूर्त चिंतन, और उससे और ऊपर आ रहा है, उसका उच्च रूप है चिंतनशील या परावर्तक चिंतन। इस चिंतनशील या परावर्तक चिंतन में व्यक्ति अपने सभी संबंधित अनुभवों को तार्किक रूप से पुनः संगठित करके नए मार्ग या हल तलाशता है। जो चीज़ें मुझको पता हैं, जो मेरे संज्ञान में है पहले से, उसको मैं रीऑर्गेनाइज करूँ, एक लॉजिकल ऑर्डर में रखूं और फिर रास्ता, किसी समस्या का हल तलाशूं या कोई नया मार्ग तलाशूं, इसमें नया सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें ट्रायल एंड एरर की बजाय प्रयास एवं त्रुटि की अपेक्षा सूझ आधारित संज्ञानात्मक उपागम है। ये इंसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच है। इसमें व्यक्ति अपनी सूझ का प्रयोग करता है, सूझ के आधार पर चिंतन कर और फिर एक लॉजिकल ऑर्डर में सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक ट्राई किया, गलत हुआ तो दोबारा ट्राई किया, ये ट्रायल एंड एरर से हायर चीज़ है। इसके अलावा जो डायरेक्टेड थिंकिंग है, जो निर्देशित चिंतन है, उसमें जो एक प्रकार है वो है सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। इसमें कुछ नए, मौलिक या भिन्न का सृजन होता है। इसमें व्यक्ति अनयूजुअल, जो सामान्यतया लोग नहीं कर रहे हैं, जो सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं होता है, मैं दूसरों से हट के व्यक्ति सोचता है, जिसके बदले में कुछ बिल्कुल मौलिक, एक नोवेल चीज़ प्रस्तुत करता है। ये किन्हीं भी पूर्व निर्धारित नियमों से बंधा नहीं है, बिल्कुल आज़ाद है इन सब चीज़ों से, नए तरीके की सोच एकदम से, जैसे वैज्ञानिक बिल्कुल नया सोचते हैं, कलाकार, अन्वेषक, कुछ नई रिसर्च करने वाले लोग जो चिंतन करते हैं, ये सब सृजनात्मक चिंतन का उदाहरण है, जिसमें कुछ नए ज्ञान का क्रिएशन होगा, नई चीज़ों का क्रिएशन होगा, जो बिल्कुल हट के, सामान्य से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल भिन्न होगा। इसमें एक प्रकार है समीक्षात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, खासकर शिक्षकों के दृष्टिकोण से और बालकों और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से, जिसको समझना ये बड़ी महत्वपूर्ण स्तर है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तर है चिंतन का, जिसमें व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग के समय, समीक्षात्मक चिंतन के समय, अपने स्वयं के विश्वासों,
मान्यताओं, पूर्वाग्रहों एवं विचारों को किनारे कर सत्य की खोज हेतु तथ्यों को छांटता है। अगर मुझको कोई समस्या का समाधान करना है या कोई चीज़ जांचनी है, कोई चीज़ का पता करना है, तो मैं अपनी मान्यताओं या जो सोचता हूँ उनको एक किनारे कर दूंगा। चाहे इस समीक्षात्मक चिंतन की खासियत ये होती है कि इसमें जो चिंतक है, जो चिंतन कर रहा है, उसको चाहे अपने विश्वास की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े, लेकिन वो सत्य की खोज हेतु दृढ़ होता है। वो अपनी सारे पूर्वाग्रह, सब मान्यताएं, सब विश्वास, सब को किनारे रखेगा और जो सत्य है उसकी खोज करेगा। वो क्रिटिकली एनालाइज करता है चीज़ों को कि नहीं, यही सही है, जो मैं सोचता हूँ ज़रूरी नहीं ऐसा सही हो, तथ्य ये कह रहे हैं, फैक्ट्स ये बता रहे हैं, इसलिए यही चीज़ सत्य है। मंगल अपनी पुस्तक में इस बात को कहते हैं कि इसके लिए जब कोई व्यक्ति क्रिटिकल थिंकिंग करता है, समीक्षात्मक चिंतन करता है, तो उसको उपयुक्त विवेचन के लिए, यानी कि इंटरप्रिटेशन, जो चीज़ उसने ढूंढी है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, विश्लेषण के लिए, जो तथ्य मुझको मिल रहे हैं उनको एनालिसिस करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, जो तथ्य हमको प्राप्त हुए उनको एवेल्युएट करना सही हैं गलत हैं, और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, कोई इन्फरेंस ड्रॉ करने के लिए, जितनी सूचनाएं मुझको मिली हैं उनसे मैं कोई निष्कर्ष निकालूं, वो इन्फरेंस ड्रॉ करने के लिए उच्चतर संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रयोग की आवश्यकता होती है, मुझको हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज चाहिए। निश्चित है कि क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए व्यक्ति को हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का प्रयोग करना होगा। समीक्षात्मक चिंतन में ही मंगल पुनः कहते हैं कि एक आदर्श समीक्षात्मक चिंतक, ध्यान दीजिए, अब ये विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में जब आप इस बात को देखेंगे तो समझेंगे ये कितना महत्वपूर्ण है, कि एक आदर्श समीक्षात्मक चिंतक स्वभाव से जिज्ञासु, इंक्विजिटिव, हमेशा कुछ जानने के लिए ललायत, सुसूचित, वेल इन्फॉर्म्ड, उसको तथ्य पता होते हैं, उदारचित, ओपन माइंडेड, वो ओपन माइंडेड है, सब चीज़ को ग्रहण करने के लिए तत्पर है, कि जो मैं अपनी बातों से बंधा हुआ नहीं हूँ, मेरे जो पूर्वाग्रह हैं, जो मेरे प्रिज डिसीजन, मैं उससे फिक्स नहीं हूँ, जो सही होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, उदारचित होता है, नम्य है, फ्लेक्सिबल होता है, एक्सेप्टेबिलिटी उसमें होती है, कि कोई नई चीज़ मुझको पता चले कि जो मेरी बात से भिन्न है तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, मूल्यांकन में निष्पक्ष, यानी कि फेयर माइंडेड इन इवेल्युएशन, अगर मैं किसी तथ्य की जाँच कर रहा हूँ तो मैं अपने सब्जेक्टिविटी को एक किनारे कर दूँगा, मैं निष्पक्ष उसमें बात करूँगा, मैं किसी बायसनेस की उसमें बात नहीं करूँगा, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेज एंड प्रेजुडिसेस, यानी कि मेरे अपने कुछ विचारधारा, मैं किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को मानता हूँ, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ, किसी संस्था से जुड़ा हुआ, कोई राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, कोई धार्मिक विचारधारा हो सकती है, कोई अन्य विचारधारा हो सकती है, तो जो समीक्षात्मक चिंतन होता है, चिंतक होता है, जो क्रिटिकल थिंकर होता है, वो इन सारी चीज़ों से, पर्सनल बायसेस से और प्रेजुडिसेस से, व्यक्तिगत दुराग्रहों से मुक्त रहता है, और ये प्रासंगिक सूचना प्राप्ति हेतु ईमानदार होता है, ऑनेस्ट इन सीकिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा पुनर्विचार करने हेतु तत्पर रहता है कि मुझको कुछ नया पता चलेगा जो सही होगा, जो सत्य की खोज में मदद करेगा, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। अब महत्वपूर्ण है कि हम विद्यार्थी के या बालक के विकास के हेतु इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता। अगर आप ध्यान से देखें इन सारी चीज़ों को, चिंतन के विभिन्न स्तरों को, विभिन्न प्रकारों को, तो आप पाएंगे कि अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें, या शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को सामाजिक रूप से एक सुसमायोजित व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना बालक को, अगर हम सामाजिक अच्छे समाज की संरचना करना चाहते हैं तो हमको ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण करना होगा, ऐसे मनुष्यों को तैयार करना होगा जो कि लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक चिंतन कर सकें, जो किसी भी बात पर आंख मूंद के विश्वास ना कर सकें, जो सिर्फ डे ड्रीमिंग ना करें, जो सिर्फ फैंटेसाइज ना करें, जो डेल्यूजन्स में ना रहें, वरन और वो धीरे धीरे उनके सोचने का स्तर बढ़ता जाए, मूर्त से मूर्त की तरफ जाएं, उनकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो, वो किन्हीं चीज़ों को इवेलुएट कर सकें, क्या सही है क्या गलत है, और अपने पर्सनल बायसनेस और बिलीफ से अलग हट के सही को स्वीकार कर सकें। अगर हम ऐसा व्यक्तित्व तैयार करते हैं समाज के लिए, तो निश्चित ही समाज की विभिन्न कुरीतियों या विभिन्न अव्यवस्थाओं में ऐसा व्यक्ति, बजाय उनको बढ़ाने के लिए उनको रोकने का, और एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बालक का विकास सम्यक हो, समग्र हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका हो, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग तक उसको पहुँचाना, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना, ये परम आवश्यक है, ताकि एक संतुलित व्यक्तित्व का विकास उसमें हो सके। चिंतन में भी, खासकर विशेष रियलिस्टिक चिंतन,
वास्तविक यथार्थवादी चिंतन, डायरेक्टेड थिंकिंग जिसको हम बात कर रहे हैं, निर्देशित चिंतन, इन सब चीज़ों की उसमें भी हायर लेवल के चिंतन के कौशल के विकास करने की आवश्यकता एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए, एक सशक्त व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए बालक के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें इन चिंतन कौशलों का विकास हो। आज इसके सत्र में हमने बात की, सबसे शुरू में हमने बात की कि चिंतन का संप्रत्यय क्या है, फिर हमने चिंतन की प्रकृति के बारे में बात की जिसके पूर्व हमने चिंतन की बहुत सारी परिभाषाओं को भी कोट किया। इसके अलावा हमने चिंतन के प्रकारों के बारे में बात की और अंत में हमने बालक के विकास हेतु चिंतन कौशलों की आवश्यकता के बारे में बात की। इस चर्चा के उपरांत इस अगर आप स्वयं से ये कुछ प्रश्न पूछें तो आप ये जांच पाएंगे कि जो आज का ये चर्चा हुई है, आज का ये सत्र रहा है, ये आपके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ। अगर आप ये जांच पाएं कि आपके व्यवहार में कौन से चिंतन का प्रभुत्व है, क्या आप यथार्थवादी चिंतन ज़्यादा है आपके में या स्वली चिंतन ज़्यादा है, डायरेक्टेड चिंतन है या नॉन डायरेक्टेड चिंतन है आपके स्वभाव में, डायरेक्टेड है तो कौन से स्तर के चिंतन का प्रभुत्व ज़्यादा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप ये बता पाएँ, ये निर्धारित कर पाएँ कि बालक के बेहतर विकास के लिए किस प्रकार के चिंतन की अधिक आवश्यकता है, आप उसी चिंतन पर जोर दें, और साथ ही एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में उच्च स्तर के चिंतन का विकास करने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो ये आप कर सकते हैं, इस चिंतन के विकास करने के लिए किन गतिविधियों को आप सम्मिलित कर सकते हैं, इन चीज़ों का अगर आप आइडेंटिफाई करें तो आज के इस सत्र की चर्चा सफल सिद्ध हो सकती है। उम्मीद है कि आज के इस सत्र से आपको कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगले सत्र में फिर नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।